पंजाब के हजारों किसानों ने फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली चलो का नारा दिया है। इस बार प्रदर्शन में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान शामिल हैं। सवाल ये है कि पंजाब हिंदुस्तान की थाली की कितनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, पंजाब में कितने गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। अन्नदाता के शोर के बीच तथ्य ये है कि पंजाब न तो भारत का टॉप गेहूं उत्पादक राज्य है और न ही चावल का। अंडे, दूध और फल सब्जी के उत्पादन में भी पंजाब पीछे है। आइए कुछ आंकड़ों को खंगालते हैं और जानते हैं कि भारत का पेट आखिरकार भरता कौन है। किसानों के विरोध को अक्सर हमारे सामने भावनात्मक तरीके से पेश किया जाता है और इसे अन्नदाताओं के बुनियादी सम्मान से जोड़ा जाता है। 1970 के दशक में हरित क्रांति शुरू होने के बाद से ही पंजाब को भारत के भूख मिटाने वाले राज्य के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है। यहाँ 5 तरह का डेटा है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब अब भारत का पेट नहीं भर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब कोई मायने नहीं रखता, इसकी अहमियत तो है, लेकिन ये एक गैर बराबरी वाली तुलना में अव्वल भी नहीं आता है। पंजाब की सबसे बड़ी सफलता की कहानी ये थी कि इसने गेहूं के उत्पादन में देश का नेतृत्व किया था। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने पश्चिम के सामने पेट भरने के लिए बार बार हाथ फैलाने वाले अपमान से भारत को स्थायी रूप से मुक्ति दे दी थी। 1960 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और रिचर्ड निक्सन से अपमान सहना पड़ता था क्योंकि इंदिरा को गेहूं मांगने उनके सामने जाना पड़ता। अमेरिकी गेहूं की खेप के बिना भारत के सामने भूखों रहने की नौबत आ सकती थी। लगभग एक दशक बाद पंजाब के नेतृत्व में हरित क्रांति की बदौलत भारत अब अमेरिका की दया पर निर्भर नहीं था, लेकिन वो एक अलग युग था। आज पंजाब गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। आज पंजाब में भारत के कुल गेहूं की पैदावार का 12% उपज होता है। भारत में अगर कुल 114 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ तो उसमें 14.8 मिलियन टन गेहूं पंजाब से आता है। 2 दशक से भी अधिक समय से गेहूं उत्पादन में पंजाब की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए जब गेहूं की बात आती है तो पंजाब महज इसका सिर्फ एक बड़ा सप्लायर है। चावल सदियों से भारतीयों का मुख्य वास्तविक आहार रहा है। पंजाब ने 1970 के दशक में भारत को चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का नेतृत्व किया था। मेहनतकश पंजाबियों की इस पहल ने उस तिरस्कार और अपमान को हमेशा के लिए मिटा दिया जो भारत को 1943 के दर्दनाक बंगाल अकाल के दौरान झेलना पड़ा था। तब 30 लाख से अधिक भारतीयों की भूख से मृत्यु हो गई थी। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में से एक है, लेकिन गेहूं की तरह धान की पैदावार में भी पंजाब बराबरी की तुलना में पहला राज्य नहीं है। उत्पादन के मामले में यह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से पीछे है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा 10% से भी कम है। भारत 135 मिलियन टन का उत्पादन करता है जबकि पंजाब 11.82 मिलियन टन। भोजन का मतलब सिर्फ गेहूं और चावल नहीं है। एक समय ज्यादातर गरीब भारतीय मुख्य भोजन के रूप में चावल या गेहूं ही खाते थे। प्रोटीन आहार के रूप में भारत के पास कुछ नहीं था। इसकी वजह से कुपोषण के मानकों पर भारत का प्रदर्शन खराब रहा। वास्तव में अगर आप फलों को जोड़ दें तो बागवानी उत्पादन सालों पहले के खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकल गया है। बागवानी के मामले में पंजाब कहीं भी नहीं है। सब्जियों का उत्पादन 200 मिलियन टन से अधिक हो गया है। अगर इसका टेबल देखें तो टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात हैं। अगर एक बार फिर से कहें तो अनाज का मतलब सिर्फ चावल और गेहूं नहीं है, मिलेट यानी बाजरा का भी खूब प्रमोशन किया जा रहा है। इसका उत्पादन बढ़ाने में कामयाबी भी मिली है। दालें तो भारतीय थाली का अहम हिस्सा रही हैं। हैरानी की बात ये है कि ये एकमात्र प्रमुख फूड आइटम है जहां घरेलू उत्पादन बढ़ती मांग के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है और भारत को हर साल दालों के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक और खाद्य पदार्थ हुआ करता था जहां भारत एक समय में दाता देशों की दया पर निर्भर था और आयात करता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता और वी कुरियन के शानदार नेतृत्व की बदौलत देश में हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति भी बढ़ी। हम बात दूध की कर रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ी, दूध भारतीय परिवारों के भोजन का एक मुख्य हिस्सा बन गया। लेकिन पंजाब टॉप दूध उत्पादक राज्यों की सूची में कहीं नहीं है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। NFHS सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 28% भारतीय शुद्ध शाकाहारी हैं। जो शुद्ध शाकाहारी नहीं हैं, उनके लिए अंडे स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ राज्यों में अंडे छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का हिस्सा बन गए हैं। खुदरा दुकानों पर 4 अंडों की कीमत एक गृहिणी द्वारा 1 किलोग्राम प्याज के लिए दी जाने वाली कीमत से भी कम है। दूध की तरह ही भारत दुनिया के सबसे बड़े अंडा उत्पादक देशों में से एक बनकर उभरा है। भारतीयों को अंडे खिलाने के मामले में पंजाब एक बार फिर पिछड़ गया है। भारत में शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। इन 5 आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि चावल और गेहूं के उत्पादन के मामले में पंजाब बराबरी वाली तुलना में भी अव्वल नहीं है, और दोनों फसलों के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान होना शायद खाद के अंधाधुंध प्रयोग के कारण है। पंजाब में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है, जो भारतीय औसत से कई गुना ज्यादा है। ये उस राज्य के लिए अजीब है जहां सिंचाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और जहां किसान पानी और बिजली की लगभग असीमित सप्लाई का फायदा उठाते हैं। डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि अगर पंजाब सब्सिडी वाले उर्वरकों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल न करे तो टॉप चावल और गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची से भी बाहर हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक गुलाटी का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में कृषि वर्तमान स्वरूप में टिकने वाली नहीं है। वहाँ के किसानों को तत्काल खेती में विविधता लाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के किसानों को ज्यादा बाजरा, ज्यादा सब्जियाँ, ज्यादा दूध, अंडे और ऐसी बहुत सी चीजें पैदा करने की जरूरत है जो फिलहाल एक हेल्दी फैमिली डाइट का हिस्सा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।